Hey everyone, welcome वेलकम टू own channel. चैनल passion, पैशन टीचिंग एज आई टोल्ड यू that I दैट आई विल स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर basic फ्रॉम बेसिक फॉर ऑल ऑफ यू सो the इज द फर्स्ट डे ऑफ क्लास नाउ grammar? इज ग्रामर जैसा कि आप हिंदी में पढ़ते हो व्याकरण क्या होता है वैसे इंग्लिश में भी उसकी सिर्फ ट्रांसलेशन है इंग्लिश में What इज ग्रामर ग्रामर इज़ द means by which वी लर्न टू रीड राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली व्याकरण के माध्यम से हम किसी भी भाषा को लिखने पढ़ने और बोलने सीखते हैं ठीक है जैसे हिंदी में है वैसे ही आपके पास इंग्लिश में है नो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज लैंग्वेज व्हाट इज लेटर्स एंड व्हाट इज अल्फाबेट्स लैंग्वेज मतलब भाषा क्या होती है लेटर्स मतलब वर्ण क्या होते हैं और अल्फाबेट्स मतलब वर्णमाला क्या होती है जैसे हिंदी में है वैसे ही सेम नाउ व्हाट इज़ लैंग्वेज इट इज़ अ मीडियम विद विच हेल्प ऑफ वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड कैन अंडरस्टैंड अदर आल्सो जैसा हिंदी में होता है भाषा एक ऐसा माध्यम माध्यम है जिससे हम अपनी बातों को दूसरों को बोल सकते हैं और उनकी भाषा को खुद समझ सकते हैं कैसा ऐसा माध्यम है उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं नाउ व्हाट अबाउट लेटर्स लेटर्स जिसे आप हिंदी में पढ़ते हो वर्ण किसे कहते हैं वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके उसे हम वर्ण बोलते हैं तो वैसे ही इंग्लिश में है द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज बिच कैन नॉट बी डिवाइडेड अनदर पार्ट ठीक है द लेटर्स आर द symbol फॉर डिफरेंट sounds which हेल्प अस टू राइट अ लैंग्वेज एक symbolic रिप्रेजेंटेशन होती है जैसे आप हिंदी में लिखते हो अ से ज्ञ तक आपकी लेटर्स uh, होते हैं आपके वर्ण होते हैं उनको हम लिखते हैं तो वैसे ही इंग्लिश में है ए से लेके कर जड़ तक तो उनकी हेल्प से हम अपने जो हम बोलना चाहते हैं उसको हम लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो लेटर्स होते हैं ठीक है नेक्स्ट इज अल्फाबेट जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो वर्णमाला बरन वर्णों के एक क्रमबद्ध समूह को हम बोलते हैं वर्णमाला किसी भी भाषा के अगर आप लेटर्स को लिखोगे एक सिस्टमेटिक वे में उसको हम बोलते हैं वर्णमाला बरन वर्णों की माला उसको एक जगह लिखने में अरेंजमेंट वैसे इंग्लिश में होता है द अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फाबेट ए से जेड तक जो हम लिखेंगे एक अरेंजमेंट में उनको हम बोलते हैं अल्फ़ा अब अल्फा वेट्स अब अल्फाबेट्स जो होते हैं टू टाइप के होते हैं वॉवल्स एंड कॉंसोनेंट जैसे हिंदी में होते हैं स्वर और व्यंजन वॉवल्स आर ए ई आई ओ यू एंड द कॉंसोनेंट्स आर बी सी डी एफ जी एच एंड सो ऑन अप टू जेड ए ई आई ओ यू को छोड़ के अब हमने पढ़ लिया व्हाट इज लेटर वट इज़ अल्फावेट वट इज बॉबल वट इज़ कॉन्सोनेंट अब अब इन जोड़ के इनको हमारे पास क्या बनेगा वर्ड जो हिंदी में हम बोलते हैं शब्द दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है जैसे हम न और ल लेते हैं और उनको इकट्ठा लिखते हैं तो आपके पास बन जाएगा नल वैसे ही इसका इंग्लिश में भी मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड फॉर एग्जाम्पल कम सी ओ एम ई हम यहाँ पे फोर लेटर्स के साथ बना रहे हैं एक वर्ड कम जिसका मतलब होता है आना अब वर्ड भी कई टाइप के होते हैं जैसे सिंपल वर्ड्स जैसे गो जी ओ गो जाना मेक एम ए के ई बनाना हम इसको हिंदी में बोलते हैं एक तो हो गए सिंपल वर्ड अब होंगे कॉम्प्लेक्स वर्ड वेन टू और मोर वर्ड्स मेक अ न्यू वर्ड जब कोई दो वर्ड होते हैं वो मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं जैसे हम लिखते हैं सन साइन ये कोई दो वर्ड है इनका अलग अलग अपना मीनिंग भी है लेकिन आप इसको इकट्ठा लिखोगे तो एक अलग वर्ड बन रहा है सनसाइन जैसे हेड मास्टर हेड को हम अलग लिखेंगे उसका अलग मीनिंग भी है मास्टर को आप लिखोगे उसका भी अलग मीनिंग है इकट्ठा लिख दोगे तो उसका अलग मीनिंग हम बना पा रहे हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड थर्ड आते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड्स द वर्ड विच हेल्प अस टू एनी क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव वर्ड्स ऐसे वर्ड जिसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे हम पूछते हैं ये क्या है वट इज दिस यह कब होगा वैन हम यहाँ यूज़ करके वैन कब वेयर कहाँ वाई क्यों हु कौन यह कौन है हाउ हाउ आर यू हाउ मैनी और हाउ मच कितना हुज किसका विच होम इन विच ऐसे टाइप के हम पूछ सकते हैं क्वेश्चंस इनको हम कल डिटेल में आपके साथ पढ़ाएंगे तो आज के लिए इतना ही तो ऐसे वीडियोज़ आप इंग्लिश के लिए डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक like कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको ये अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है सो कीप स्पटिंग थैंक यू